रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री परियोजना पर करीबी नजर रख रहे हैं। गोयल ने 9 मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपए की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उठाई गई चिंताओं के बाद गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बनाया हुआ है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव के मुताबिक वर्तमान में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई तक और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है और इन कॉरिडोर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस तिथि को 6 महीने आगे यानी कि जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण काम में व्यवधान के कारण देरी हुई है। मंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उनके राज्य में ही आ रही अड़चनों का समाधान करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में DFC का दायरा 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है। गोयल ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री ने परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी की है।